हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी ने मैसेज किया था, मुझे कमेंट्स किया था कि मुझे बाईपास सेटिंग करनी है। एक बोले तो बाईपास सेटिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये मेरी मशीन्स है, तो इस पे बाईपास जो है, बाईपास पेपर जब भी इंसर्ट करते तो वहाँ पे सेटिंग की जाती है पेपर्स की। मतलब A4 है तो A4, लीगल है तो लीगल, A3 है तो A3। तो अपन वो सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दबाना है, फंक्शन। इस मशीन का थोड़ा फंक्शंस के बटन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कभी काम करती है कभी नहीं करती है। पता नहीं काम करेगी या नहीं। अच्छा, चालू है, चालू है, फंक्शन बटन चालू है। फंक्शन दबा के 2 और 8 दबाना है, एक साथ 2 और 8 एक साथ दबाना है। फंक्शन दबा के, फंक्शन दबा, पहले सबसे पहले फंक्शन दबाना है, उसके बाद 2 और 8 दबाना है, उसके बाद फिर से फंक्शन दबाना है। तो ऐसे आएगा, यहाँ पे कॉपियर नाम का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जाना है फंक्शन पे। कॉपियर के आने के बाद उसके बाद फंक्शन में जाना है, उसके बाद CST में जाना है। अभी ये CST काम नहीं करता क्योंकि मेरा इस पैनल का थोड़ा ख़राब है। उसके बाद जाना है CST में, जाके जाना है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक वैल्यू वैरी हो रही है। उस वैल्यू को सेट करना होता है। ये बाईपास से कनेक्टेड होता है, तो बाईपास जैसे कम ज़्यादा करेंगे वैसे वैल्यू कम ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले A4 पे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे A4R लिखा हुआ था, तो यहाँ पे A4R ही रखना है। यहाँ पे मैंने बाईपास पे A4R रख दिए और यहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे देख लो, A4R के सामने जो वैल्यू आई उसके सामने वो डन हो गई, उसकी वैल्यू फिक्स। उसके बाद A4 के लिए, तो A4 के लिए मैं फुल रखूँगा, इसके लिए मैं फुल रखूँगा, फुल ये रख दिए मैंने। उसके बाद देख सकते हो आप, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, ओके कर दिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, अरे फिर से 1 पे क्लिक हो गया, फिर से फर्स्ट सेट करना पड़ेगा। अभी देखो, जब तक आप यहाँ पे सेट नहीं करते, जब तक आप यहाँ पे सेट नहीं करते तब तक वो सिलेक्ट होगा नहीं। देखो, मैं नीचे वाला सिलेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अपन ने ओके नहीं किया, सेट नहीं किया। तो मैंने सेट कर दिया ओके, उसके बाद नीचे वाला, अब जाके मैं लीगल वाला सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया लीगल, तो आप देख सकते हो इस तरीके से बाईपास की सेटिंग की जाती है। थैंक यू।